ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया दोनों पति पत्नी ने, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन तिलाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। और मन में क्या सोच रहे हैं, मन में क्या उनके अभिलाषा है महाराज मनु और महारानी सतरूपा के, केवल एक अभिलाषा है, उर अभिलाष निरंतर होई। सदैव एक ही बात सोच रहे हैं, एक ही अभिलाषा है, देखा नयन परम प्रभु सोई, उन परम पिता परमात्मा के किसी प्रकार दर्शन हो जाए, वो सामने आ जाए, उनके दर्शन हो जाए। कौन प्रभु? वो जो अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति कह वेद निरूपा। वेदों ने भी जिनको नेति नेति कहा है, नेति नेति कहा है, निजानंद निरूपाधि अनुपा, देखई हम स्वरूप भरी लोचन। प्रभु हमको वही स्वरूप दिखा दीजिए, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, और कृपा करहु प्रणतारति मोचन। प्रभु हमें वही रूप देखना है आपका, उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। जिनके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार लेते हैं, रूप धरते हैं, हमको उन परम प्रभु का दर्शन करना है, उन परम पिता का दर्शन करना है। महाराज मनु बार बार महारानी सतरूपा के साथ इस अभिलाषा से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या जानते हैं माताओं बंधु, एक विचित्र बात हो गई। महाराज मनु तो तपस्या कर रहे हैं उन परम पिता परमात्मा से दर्शन करने के लिए, लेकिन महाराज मनु और महारानी सतरूपा को दर्शन देने कौन आ रहा है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश। महाराज आप एक बात बताइए माताओं बंधुओं, जब महाराज मनु और महारानी सतरूपा ने साथ में तपस्या किया, पति पत्नी साथ में गए तपस्या करने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी चाहिए था कि ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी के साथ आते, नारायण अपनी लक्ष्मी माता के साथ आते, महादेव पार्वती माता के साथ आते, माने अपनी अपनी शक्ति के साथ इनको भी पधारना था। ये लोग अकेले अकेले चले आ रहे हैं तीनों देवता। कौन बोले? विधि हरिहर तप देखी अपारा। अब आ रहे हैं नंबर एक, और दूसरी सबसे विचित्र बात, आकर के केवल महाराज मनु से कह रहे हैं, मनु मांगो क्या वरदान मांग रहा है, मांगो क्या वरदान मांग रहा है, मनु मांग लो, मांगो पर मांग लो, वर क्या मांगना है। देखिए महाराज मनु ने सोचा कि भाई एक तो हम दोनों ने तपस्या किया तो इनको वरदान देने दोनों को आना था नंबर एक, और दूसरी बात जब जितनी तपस्या मैंने की है उतनी ही तपस्या मेरी पत्नी ने भी की है, तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये हमसे भी कहें कि मांगो, और मेरी पत्नी से भी तो पूछे कि मांगो, कि केवल आकर के हमसे पूछ रहे मांगो, हमारी पत्नी कहाँ जाएगी, उसको देख ही नहीं रहे। देखिए आजकल के पति होते तो सोचते कि कोई बात नहीं, चलो हमको मिल रहा है तो हम ही, कोई बात नहीं सब घर में ही आएगा। पत्नी भी होती तो यही सोचती भाई कोई बात नहीं, पति देव नहीं तो हम सही। होता है ना, जब किसी नेता के यहाँ टिकट महिला कोटा का आ जाता है तो वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है कि भाई चलो ठीक है, घर में तो हो ही रहा है सब तो, लेकिन नहीं, महाराज मनु ने कहा नहीं, ना अकेले पत्नी को ना अकेले हमको, चाहिए हम दोनों को, आप हम दोनों से पूछे। और वो तो आके बार बार मांगहु पर, मांग लो तो मांगहु पर बहु भांति लुभाए,
विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आ रहे, बहुत बार बार आ रहे, थोड़ी देर बाद फिर आ जाते ललचवाने के लिए कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब जो मांगना हो मांग लो। तो मांगहू पर बहु भांति लुभाए, मांग लो। लेकिन महाराज मनु को लगा कि ये यदि केवल हमको देने आ रहे हैं ना, पत्नी से नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है कि ये दान देने नहीं आ रहे, ये कुछ देने नहीं आ रहे हैं, ये दान नहीं कर रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब आपको किसी को कुछ देने की श्रद्धा उत्पन्न हो ना, ध्यान दीजिएगा, दानी कहाऊब अरु कृपनाई होई कि खेम कुशल रहताई। या तो दानी कहलवाने का शौक मत पालिए, और शौक पालिए तो कृपणता मत दिखाइए, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दो ही की हुई एक समय भुवाला, कभी एक साथ ये चीज नहीं होगी। माताओं बंधुओं, ऐसे ही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार पूछा था कि अर्जुन एक बात बताओ तो, तुम्हारी नजर में इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है, सबसे बड़ा? अरे उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे भैया, हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर और कौन, सुबह से शाम तक जाचकों की लाइन लगी रहती है, दान किया करते हैं वो। तो उन्होंने कहा चलो फिर। अब दोनों ने बनाया महात्मा का वेश, और महात्मा का वेश बना के धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। धर्मराज, हमको यज्ञ करने के लिए संविधाएं चाहिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ियां चाहिए, सामग्री चाहिए, मदद करिए। धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर ने कि अरे प्रभु, हमारा परम सौभाग्य आप हमारे यहां पधारे यज्ञ के लिए, मदद मांगने के लिए। तो एक काम करिए, हमारे राज्य में सारे जंगल के जंगल आपके लिए सेवा में समर्पित हैं, जितने पेड़ काटने हो, जितने जंगल की लकड़ियां ले जानी हो, सब ले जाइए, हमारा सौभाग्य है ये। तो धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण का, वो तो हम जरूर ले जाते, लेकिन दरअसल बात यह है कि कल रात्रि से खूब घनघोर वर्षा हुई, तो सारी लकड़ियां गीली हैं, सारे पेड़ गीले हैं, संविधाएं गीली है, नहीं हो पाएगा काम, और यज्ञ प्रारंभ करना है कल से। तो उन्होंने कहा अच्छा, अरे ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, क्या संविधाएं गीली पड़ गई? हाँ। अरे हाँ मुनिवर, तो अब मैं क्या करूं, पेड़ तो बहुत सारे थे लेकिन अब गीली ही हो गई, तो प्रकृति पे किसका बस चला है, तो ऐसा कर लीजिए कि थोड़ा सा दो चार दिन का मौका दे दीजिए, हम वहाँ सब कूलर पंखा लगवा के, आगे जलवा के, सब उनको सुखवा के, अब फिर आपके पास भेजते हैं, थोड़ा पेड़ों को तो सूख जाने दीजिए, पेड़ तो बहुत है, ले जाइए। तो ठीक है, निकल गए वहां से दोनों। भगवान ने कहा अर्जुन देख लिया, तुम्हारे ये भैया धर्मराज युधिष्ठिर दानी, अब इनकी लकड़ियां सूखेंगी तब हम यज्ञ करेंगे, हमारा यज्ञ इनकी लकड़ियों के भरोसे छोड़ दिया इनने, चलो आगे एक दूसरे सज्जन के पास चलते। पहुंचे दूसरे सज्जन के पास, वही बात, हमको दान चाहिए और दान में यज्ञ में संविधाओं की आवश्यकता है। उन सज्जन ने भी कहा कि हमारे यहाँ भी पेड़ के पेड़ पड़े हुए हैं, वृक्ष के वृक्ष हैं, जितने चाहिए जंगल के जंगल ले जाइए मुनिवर, हमारा सौभाग्य है, और आप यज्ञ करना चाहते हैं, हमारी तरफ से जितनी आप बिल्कुल ट्रैक्टर ट्राली सब वहां खड़ी है, ले जाइए। तो वही बात भगवान ने हर गई। अरे उन्होंने कहा हम ले तो जाएं, लेकिन वर्षा हुई है कल से और सारी संविधाएं बिल्कुल सारी लकड़ियां गीली है, सारे पेड़ गीले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या सारी लकड़ियां गीली हैं, सारे पेड़ गीले हैं, सारे पेड़ गीले हैं, तो यज्ञ नहीं हो पाएगा कल से। कहा कि अब कैसे हो पाएगा आप बताइए। तो उन्होंने कहा चिंता ना करिए मुनिवर, मैं अभी अभी इस समय, आप जिस समय आए हैं वो बहुत उत्तम समय है, मैं इसी समय अपने घर में गृह प्रवेश करने जा रहा था लेकिन अभी किया नहीं, और इस घर के जितने भी खिड़की दरवाजे सोफा पलंग ये सब बिल्कुल उत्तम शुद्ध लकड़ियों से संविधाओं से बने हुए हैं और बड़े शुद्ध और पवित्र होकर के यहाँ आए हैं। मुनिवर, छत के कारण यहाँ गीली नहीं हुई है कोई लकड़ी, तो आप ये कृपा करिए कि सारे पलंग खिड़की दरवाजे सोफा सारी चीजें आप यहाँ से निकाल के ले जाइए और पहले यज्ञ शुरू करिए कि सारे पलंग खिड़की दरवाजे सोफा सारी चीजें आप यहाँ से निकाल के ले जाइए और पहले यज्ञ शुरू करिए तो आपका घर
अरे कहा मुनिवर, घर का गृह प्रवेश तो फिर होता रहेगा, मुहूर्त आता रहेगा, लेकिन महात्मा का यज्ञ कहीं रुक जाए इससे बड़े दुख की बात कुछ हो सकती है क्या? भगवान श्री कृष्ण का देख रहे हो अर्जुन, इसे कहते हैं दान, इसे कहते हैं। वो दानी और कोई नहीं माताओं बंधुओं, वो दानवीर सूर्य कर्ण हुए। लेकिन दानवीर सूर्य कर्ण का नाम भी तब नहीं पड़ा, भगवान ने अंतिम समय में सोचा कि लाओ जरा देख ले कितने बड़े दानी हैं। कथा आती है अंतिम समय में जब कर्ण को अर्जुन ने बाण मार दिया था और वो अब अंतिम श्वास गिन रहे थे, तब भगवान फिर ब्राह्मण बन के पहुंच गए और भगवान ने कहा भिक्षाम देही। कर्ण ने कहा क्या चाहिए मुनिवर, क्या चाहिए पंडित जी? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हमने सुना है यहाँ कोई बहुत बड़े दान करने वाले कर्ण है, कहाँ है, हमें उनका परिचय चाहिए। तो कर्ण बेचारे मूर्छित अवस्था में थे, किसी समय भी प्राण चले जाते, पूरा शरीर रक्त से सना हुआ था, जख्मी थे। उन्हें कहा आज्ञा दीजिए, मैं ही हूं कर्ण, मैं ही हूं, बताइए। भगवान ने कहा, ब्राह्मण वेश में जो मौजूद थे उन्होंने कहा अरे आप हैं कर्ण, ओहो मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था कि आज मुझे कुछ दान मिलेगा, मेरी बेटी का विवाह होने वाला है उसके लिए कुछ भिक्षा लेने आया था, अरे लेकिन अब आपसे क्या मांगू, आप तो मरने जा रहे हैं, आपसे किस मुंह से मांग लूं। तो कर्ण ने कहा पंडित जी ब्राह्मण देवता, मरने जा रहा हूं, अभी मरा तो नहीं हूं ना, अभी जिंदा हूं मैं, मांगे जब तक मैं जिंदा हूं मांगे, क्या चाहिए आपको, क्या सेवा कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा ऐसा है कि हमारी बेटी का विवाह है और बेटी के विवाह के लिए हमें धन की आवश्यकता है, लेकिन अब आप जब कैसे मैं कहूं कहां से ला के देंगे, आप तो उठ भी नहीं सकते। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उठ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे पास एक उपाय है। क्या? कहा मेरे दांतों में एक दांत स्वर्ण का लगा हुआ है और देखिए मेरी मृत्यु के बाद वो मेरे किसी काम आना नहीं, तो क्यों ना ऐसा करूं कि मैं उस दांत को आप ले लीजिएगा, मृत्यु के बाद आप ले जाइएगा मेरी, हमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा कर्ण हम बेटी की शादी करने के लिए दान लेने आए हैं, ये चोरी डकैती करने नहीं आए हैं हम, कि आप जब प्राण त्याग देंगे तो हम आपको तोड़ के और उसमें से हम दांत निकाल के ले जाएंगे, हमारी बेटी प्रसन्न रह पाएगी, हमारी बेटी के जीवन का क्या होगा, ऐसे अगर दान ले जाएंगे तो हमें नहीं चाहिए दान। तो कहने का अच्छा ठीक है प्रभु, ऐसी बात है तो यदि मैं स्वयं ही दे दूं तो आप ले जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने कर्ण गए, रेंगते रेंगते एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा के अपने जबड़े पे मारा, दांत पे मारा, स्वर्ण का दांत बाहर आ गया, बाहर आ गया, दान देने को हुए। भगवान जो ब्राह्मण देवता के रूप में विराजमान थे उन्होंने फिर मना कर दिया, उनका ये दान नहीं लेंगे। क्यों? कहा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरी बेटी के विवाह की बात है, उसके जीवन की बात है, ये रक्त से सना हुआ दान मैं ले जाऊंगा या शुद्ध दांत, खून लगा है आपका इसमें, शुद्ध नहीं है ये दान। तो कर्ण ने कहा प्रभु अरे ब्राह्मण देवता, मैंने सुना है कि माता गंगा बड़े बड़े पापों को धो देती है, तो क्या वो मेरे इस दांत में लगे हुए रक्त को नहीं धो पाएंगे, क्या इस दांत को शुद्ध नहीं कर पाएंगी? कर्ण ने एक बाण मारा पृथ्वी पे, माता गंगा की अविरल धारा निकल आई, कर्ण ने दांत को धोके और उस दंत को जैसे ही भगवान को अर्पित करने लगे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कर्ण मैं आपकी इस दान वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूं। माताओं बंधुओं कर्ण ऐसे दानवीर थे कि कथा आती है कि एक बार यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते एक ब्राह्मण दान लेने आ गया था, तो उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई माला बाएं हाथ से निकाली और दे दी, तो जो वहां पे ब्राह्मण बैठे थे उन्होंने कहा आपको दान देने की तमीज नहीं है, दान दाएं हाथ से दिया जाता है, बाएं हाथ से दे के आप अशुद्धि कर रहे हैं। तो कर्ण ने जवाब दिया ऐसा है ब्राह्मण देवता, मैं दाएं हाथ से आहूति डाल रहा था यज्ञ में, और आहूति डालते डालते अगर मैं इसका इंतजार करता कि जब आहूतियां विराम होंगी तब दान दूंगा, और तब तक यदि मेरा मन बदलने लगता,
मेरे मन से दान की भावना या कितना दान देना है ये चीज कटने लग जाती तो उसका पाप कौन सहता। देखिए उन्होंने कहा कि जिस समय मेरे मन में दान करने की भावना आई उस समय मैं दाएं हाथ का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बाएं हाथ से निकाल करके और ये माला दे दी। इसीलिए हम लोग कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। यही कर्ण जी ने ये बात सिखाई, उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होती हमको। ध्यान दीजिएगा, फिर भगवान भगवान तो मन पलटते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे इस पे भी। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, तो कर्ण से जब भगवान ने कहा कर्ण आप इतने बड़े दानी हैं, अंतिम समय में भी इस प्रकार से आप दान दे दिए तो जाइए, आपसे हम इतने प्रसन्न हैं कर्ण कि कुछ मांग लीजिए, आप कुछ मांग लीजिए वरदान। माताओं बंधुओं, कर्ण ने बोला प्रभु जो व्यक्ति जीवन दान जीवन भर दान देता हुआ आया हो, जो सबको देता हुआ आया हो और आज आप उससे कह रहे हैं कि मांग लीजिए, वाह साहब, माने अपना नाम खराब करके जाऊं मैं अंतिम समय में, जो जीवन भर मैंने सबको दिया है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो कर्ण ने से प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं फिर भी कुछ मांग लीजिए, कुछ तो मांग लीजिए। कर्ण ने कहा प्रभु यदि कुछ देना ही है ना मुझे, तो मुझे किसी भी जीवन में किसी भी जन्म में कोई भी योनि देना, लेकिन प्रभु मुझे कभी याचक मत बनाना, याचक। ध्यान दीजिए क्यों कर्ण कहा प्रभु, इसलिए कि जब कोई व्यक्ति किसी के सामने हाथ फैलाता है ना, कुछ मांगता है ना, तब उसके चेहरे पर मैंने मृतक के भाव देखे हैं, वो उसी समय मरा हुआ देखता है, इसलिए प्रभु कभी भी मुझे आप किसी भी जन्म में कुछ भी कृपा करना, मुझे देने वाले की तरफ रखना कि मैं किसी की कितनी मदद कर सकूं, किसी को कितना दान दे सकूं। तो माताओं बंधुओं सदैव इस बात को याद रखिएगा, बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षा द्वारा ग्रहे ग्रहे दियताम दियताम नित्यम दातु फलमीयशम। कहने का अर्थ है ये जो भिखारी घूम रहे हैं ना, ये जो आपसे याचना कर रहे हैं ना, ये जो आपसे कुछ ले रहे हैं ना, ये आपसे ले नहीं रहे, ये आपको सीख दे रहे हैं, ये दे रहे हैं सीख कि अगर इस जन्म में प्रभु ने कृपा की है, आपको देने वाले पक्ष में रखा है, तो उसकी सार्थकता करो, उस बात का लाभ उठाओ, वरना अगले जन्म में अगर आपने इस जन्म में नहीं दिया ना, तो अगले जन्म में लेने वाले की कतार में आने के लिए तैयार रहना। जब आप देना नहीं जानते तो फिर लेना जान लीजिए, तो वो वाला काम करिए। इसलिए भगवान की कृपा मानिए, यदि प्रभु ने आपको देने वाले पक्ष में रखा है। कर्ण ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कृपा करिएगा कभी याचक मत बनाइएगा और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय माताओं बंधुओं भगवान ने वरदान दिया कि जाओ कर्ण मैं आपको वरदान देता हूं, आने वाली पीढ़ियां आपको दानवीर सूर्य कर्ण के नाम से जानेंगी। तो माताओं बंधुओं सदैव याद रखिएगा, लोभी जसु चह चार गुमानी, आप कृपणता करके यश चाह पाना चाहते तो कभी नहीं पा पाएंगे, नाम भी हो जाए और कुछ, लोभी कभी नहीं पा पाएगा यश। दानी कहाऊब और कृपणाई ये एक साथ नहीं हो पाएगा। दान करिए, एहसान मत करिए। प्रथम दिन मुझको बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है,